Realme हर एक महीने के बाद कोई ना कोई फ़ोन लॉन्च करते ही जा रही है, और यही कारण है कि जिस प्राइस रेंज में वो फ़ोन लॉन्च करती है उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme ने बहुत दिन पहले हमें बताया था कि एक उसका फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आएगा, लेकिन वो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा लेकिन उसका प्राइस जो होगा काफ़ी क्लियर होगा। अब यहाँ पर कुछ दिन से लीक एंड रूमर आ रहे हैं Realme X2 Pro के बारे में, जो कि यहाँ पर लगभग फ्लैगशिप फ़ोन होगा और उसका प्राइस जो है काफ़ी कम होने वाला है। यहाँ पर इस फोन के बारे में सब कुछ लगभग डिटेल जो है निकल कर सामने आ चुका है, ऑलमोस्ट जो है 100% डिटेल जो निकल कर सामने आ चुका है, फर्स्ट लुक से लेकर लॉन्च डेट तक। चाइना का लॉन्च डेट सामने आया है, इंडिया का लॉन्च डेट भी सामने आ जाएगा कुछ दिन में, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म है कि इंडिया में कब लॉन्च होगा। अगर आपको जानना है इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्राइस क्या हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ही Realme XT लिया था रिव्यू करने के लिए, यानी एक महीना पहले ही लॉन्च हुआ है ये फ़ोन और अच्छे से सेल पे गया भी नहीं है। और Realme ने पहले ही बताया था कि Qualcomm Snapdragon 730G के साथ Realme XT का एक और वर्ज़न लॉन्च होगा जिसका नाम होगा Realme XT 730G। अब यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है जो कि 100% कंफर्म न्यूज़ है कि Realme XT 730G के साथ एक और फ़ोन Realme इंडिया में लॉन्च करेगा दिसंबर में। हालांकि ये फ़ोन जो है 15 अक्टूबर को ही चाइना में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है Realme X2 Pro। जी हाँ, ये एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा। जहाँ तक यहाँ पर लीक्स में निकल कर आया कि इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा Qualcomm Snapdragon 855 Plus, जो कि यहाँ पर सबसे हायर रेंज का Qualcomm का प्रोसेसर है, वो आपको Realme X2 Pro में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक और हैंड्स ऑन वीडियो निकल कर आया है, इसका फुल देख सकते हैं किस तरह का बैक का डिज़ाइन है। लेकिन Realme का आप देख सकते हैं ब्रांडिंग जो है काफ़ी और जगह पर रखा गया है, लेकिन वाइट कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बैक में आपको चार कैमरा देखने को मिल रहा है, और कैमरा का सेटअप जो है मेरे ख्याल से सेम यहाँ पर Realme XT वाला देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का मैन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल वाला कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर हो सकता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सेल्फी कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का हो सकता है, यहाँ पर लीक्स में निकल कर आया है। डिस्प्ले यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले नहीं होगा, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा, और वही यहाँ पर डिस्प्ले जो एक्सटी में यहाँ पर यूज़ किया गया है 6.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, और इस बार आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, और डिस्प्ले के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले जो है 90 गीगाहर्ट्ज़ का जो यहाँ पर सपोर्ट करता है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पर 12GB के रैम के साथ भी एक वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, और 256GB वाला भी यहाँ पर वेरिएंट आएगा, जो कि यहाँ पर UFS 3.0 के साथ आएगा, जो कि काफ़ी कमाल का काफ़ी फास्ट होने वाला है। 4000 से लेकर 5000 के बीच में आपको बैटरी मिल सकता है, ये लीक्स में नहीं आया, लेकिन 4000 से ऊपर ही बैटरी आपको मिलेगा। लेकिन इस बार आपको 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी आधे घंटे में आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल का है। अब यहाँ पर Realme ने हमसे बोला है कि यहाँ पर इसका जो प्राइस होगा वो अदर फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन जो हैं उनसे आधे होंगे। अगर यहाँ पर OnePlus के बारे में बात करें तो 45-40 हज़ार में फ़ोन लॉन्च करती है, अगर यहाँ पर आधा करें तो 25 हज़ार तक में ये फ़ोन जो है चाइना में लॉन्च हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होते होते 30 हज़ार इसका प्राइस होगा, तो 30 हज़ार के अंदर जो है ये फ़ोन लॉन्च होगा, दिसंबर में लॉन्च होगा, सब कुछ कन्फर्म है। अब तो इसका यहाँ पर फर्स्ट लुक भी आ चुका है। आपको इसका फर्स्ट लुक कैसा लगा, आपको कैसा लगा? यहाँ पर ग्लास बैक तो है ही, कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है ही, डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल का है, प्रोसेसर भी काफ़ी कमाल का है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले में 90 गीगाहर्ट्ज़ का जो यहाँ पर सपोर्ट है वो भी काफ़ी कमाल का है, और 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग, मतलब कुल मिलाकर फ़ोन जो है काफ़ी कमाल का लग रहा है। प्राइस यहाँ पर सिर्फ निकलना बाकी है, जो कि 15 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर चाइना से ही लगभग मिलाकर प्राइस लॉन्च करते हैं इंडिया में भी, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और यहाँ पर आपको कैसा लगा ये फ़ोन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।